हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज मैं लेके आऊँ आपके लिए एक अनदर वीडियो। दोस्तों, आप में से ही काफ़ी सारे लोग ये सवाल कर रहे थे कि सर मेरे पास बजाज फिनसर्व का EMI कार्ड है जिसको मैं फ्लिपकार्ट पे यूज़ करना चाहता हूँ या अमेज़न पे यूज़ करना चाहता हूँ, लेकिन मेरे पास CCV नंबर नहीं है। मेरे पास बजाज फिनसर्व का EMI कार्ड तो है, लेकिन उसमें सिर्फ कार्ड नंबर है और एक्सपायरी डेट है, लेकिन मेरे पास CCV नंबर नहीं है, जिसकी वजह से मैं प्रोडक्ट को आके परचेज़ नहीं कर पा रहा हूँ। दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा कि विदाउट CCV यूज़ किए कैसे जो है आप अमेज़न से या फ्लिपकार्ट से आप फाइनेंस करा सकते हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं कि आप चाहे बजाज के कस्टमर केयर से बात कर लीजिए, चाहे कहीं पर भी आप बात कर लीजिए, बजाज फिनसर्व EMI कार्ड का कोई CCV नंबर होता ही नहीं है। वो एक क्रेडिट कार्ड नहीं है, वो एक EMI कार्ड है जिसकी एक लिमिट डिसाइड करके आपको दी गई है, जिसका आप फाइनेंस करा सकते हैं ऑनलाइन या ऑफलाइन, या स्टोर पर जाके करा सकते हैं या ऑनलाइन ले सकते हैं। अब काफ़ी लोगों का प्रॉब्लम आता है क्या कि वो CCV नंबर देख के ही बैक हो जाते हैं या CCV नंबर ढूंढने लग जाते हैं कि CCV नंबर है कहाँ बजाज कार्ड का, कस्टमर केयर पे कॉल करने लगते हैं, लेकिन कोई बेनिफिट नहीं है। मैं आपको बता दूँ कि आप कैसे जो है फाइनेंस करा सकते हैं सिर्फ एक मिनट पे। और एक और बात मैं आपको बता दूँ कि कुछ सेलेक्टेड ब्रांड में ही जो है आपको बजाज EMI कार्ड ऑफ़र करती है। जैसे मान के चलिए कि यहाँ पर सैमसंग है, LG है या कोई भी XYZ कंपनी है, तो लेट सपोज कि वो जो है सिर्फ सैमसंग कंपनी पे ही ऑफ़र दे रही है, तो सिर्फ आप सैमसंग कंपनी का ही ऑफ़र में जो भी TV या इलेक्ट्रॉनिक आइटम आ रहा है तो आप उसको जो है फाइनेंस करा पाएंगे। अगर कोई दूसरा ब्रांड है, अगर उस पर ऑफ़र नहीं है, तो आप फाइनेंस नहीं करा सकते। अब एग्जांपल के तौर पर दिखा दूँ कितने जल्दी जो है आप एक मिनट के अंदर फाइनेंस कर सकते हैं, वो भी बजाज में सिर्फ EMI कार्ड के अगर आपके पास है तो, और सिर्फ एक मिनट का टाइम लगता है। CCV नंबर देख के ही काफ़ी लोग बैक हो जाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना है आपको। जो है जैसे CCV नंबर आ रहा है, टेंशन मत लीजिए, सिर्फ आपको 2-3 डिटेल डाल लीजिए, अपने आप ही CCV नंबर आपका नॉट रिक्वायर्ड आ जाएगा। अब यहाँ पर मैं पेमेंट ऑप्शन पे जाता हूँ, प्रूफ दिखाऊंगा मैं आपको, ताकि आपको भी सारी चीज़ें क्लियर हो जाए। अब यहाँ पर EMI पे जाता हूँ, कंटिन्यू पे जाऊँगा। कंटिन्यू पे करने के बाद मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसे जो है आप इसको प्लेस कर पाएंगे। अब यहाँ पर जो है मैं इस TV को लेता हूँ, अब यहाँ पर बाय नाउ पे करूँगा, यहाँ पर स्किप एंड कंटिन्यू करता हूँ, कंटिन्यू करता हूँ, एक्सेप्ट एंड कंटिन्यू करता हूँ। पेमेंट वाले ऑप्शन पे आपको चले जाना है, EMI पे कंटिन्यू कर देना है। कंटिन्यू जैसे आप दोस्तों करेंगे तो यहाँ पर बजाज फिनसर्व EMI कार्ड आ रहा है, इसको आपको सेलेक्ट करना है, इसके बाद आपको कंटिन्यू करना है। कंटिन्यू करने के बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं आपका कार्ड नंबर मांग रहा है, एक्सपायरी डेट मांग रहा है और आपका जो है CCV नंबर मांग रहा है। अब काफ़ी लोग इसी पे से बैक चले जाते हैं, यहाँ पर ऐसा नहीं करना, आपको कार्ड नंबर डाल देना है। यहाँ पर आपका जो भी कार्ड नंबर है आप उसको बजाज फिनसर्व के ऐप से निकाल सकते हैं। यहाँ पर मैं अपना कार्ड नंबर डाल देता हूँ, प्रूफ आपको सारा दिखा दूँगा ताकि आपको भी जो है क्लियरिटी हो जाए कि कैसे जो है फाइनेंस होगा। अब यहाँ पर मैं एक्सपायरी डेट डाल देता हूँ, अब मैं कंटिन्यू करूँगा। अब यहाँ पर देख सकते हैं मेरे को कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ी, मतलब मेरे को वहाँ पर CCV नंबर का कोई ज़रूरत नहीं पड़ा, प्रूफ आपके सामने है। अब अगर मैं यहाँ पर कन्फर्म पे कर देता हूँ तो ऑटोमेटिकली जो है ये पैसे डिडक्ट हो जाएंगे मेरे कार्ड से, और जो पेमेंट है वो मेरे EMI कार्ड से वो ब्लॉक हो जाएगा। आपने देखा मैंने कोई CCV नंबर नहीं डाला, सिर्फ आपको अपना कार्ड नंबर और एक्सपायरी डेट डालना है और जो CCV नंबर का ऑप्शन है वहाँ पर नॉट रिक्वायर्ड आ जाएगा। टेंशन फ्री रह के जो है आप कोई भी चीज़ फाइनेंस करा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।